हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बैंकिंग के थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम और बैंकिंग के बारे में करंट अफेयर्स जानेंगे और थोड़े से कुछ स्टार्टिंग स्कीम्स भी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गोल्ड स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश में लोग बहुत गोल्ड बहुत खरीदते हैं, तो गोल्ड को लेकर एफिनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो अब गोल्ड खरीदते हैं तो उसको लेकर सरकार बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि गोल्ड हमारे देश में होता नहीं है और हमें बाहर से गोल्ड मंगवाना पड़ता है। तो लेकिन लोग गोल्ड क्यों खरीदते हैं, अगर उसके बारे में जाना जाए अगर, तो काफ़ी कुछ काम आसान हो सकता है। तो लोग गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि जनरली इन्फ्लेशन के जैसे अभी इन्फ्लेशन हो जाती है, तो उससे बचने के लिए आपके पास 100 रुपये थे कल, लेकिन 100 रुपये की कीमत सेम नहीं रहेगी क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो लोग चाहते हैं कि ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए जहां पर पर्टिकुलरली कि साथ साथ में वो पैसा बढ़े, तो गोल्ड में लगाना पसंद करते हैं। अदरवाइज भी आपको पता है कि वैसे भी कल्चरल एफिनिटी भी है कि लोग शादी ब्याह में भी बहुत गोल्ड देते हैं, एंड ब्लैक मनी का भी बहुत ही अच्छा एक ये रिजर्वॉयर एक स्टोर हाउस होता है गोल्ड। तो देश में गोल्ड को लेकर तो बहुत ही लगाव है, एंड गोल्ड हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत टेंशन रहती है। तो अब सरकार ने बोला कि अगर आपको गोल्ड का रिटर्न्स की ही चिंता है तो हम आपको स्कीम्स दे देते हैं। जैसे जैसे गोल्ड ऊपर नीचे होगा आपको उसका फायदा होता रहेगा। कि हमने स्कीम में क्या दिया, हमने आपको कागज़ पकड़ा दिया एक, तो उसको कहा गया गोल्ड बॉन्ड स्कीम, कि आपको गोल्ड कुछ खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आओ बैंक में आओ, यहाँ पर बोलो कि मुझे इतने ग्राम गोल्ड के बदले का कागज़ पकड़ा दो, तो आपको वो एक सरकारी कागज़ बॉन्ड मिल जाता है गोल्ड बॉन्ड, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाती है। That is called gold bond scheme। अब आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है और एज सच तो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी जो उसमें जो आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है उसको जाके आप मोनेटाइज कर सकते हो, मतलब जाके उसके बदले के पैसे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और इस पे जो बात जानने वाली है, इस पे जो पैसा मिलेगा, जो आपके खाते में ना पैसा आ जाएगा, लेट्स से कि आपके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ था, तो 1 लाख आपके खाते में आ जाएगा। जैसे जैसे गोल्ड ऊपर नीचे होगा प्राइस, जैसे गोल्ड का ये भी पैसे ऊपर नीचे होंगे, एट द सेम टाइम आपको 1 लाख रुपये जो आपके पैसे इनिशियल थे उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये बात ध्यान देने वाली है, इंटरेस्ट भी मिलता है। ऐसे ही गोल्ड बॉन्ड स्कीम, आप गोल्ड नहीं खरीदते, गोल्ड के बदले का आपने बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है, एंड इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। एंड देन जो गोल्ड कॉइन या फिर ये वो भी जिसके सरकार ने स्कीम चलाई थी, गोल्ड कॉइन दे रहे थे सरकार, और कि ताकि अगर आपको गोल्ड सच में खरीदना ही है तो हमारे से अच्छा प्योर गोल्ड खरीद लो। ठीक है, ओके, तो ये कुछ गोल्ड स्कीम्स थी, ये पेपर में मेंस में पूछी जा चुकी हैं, 2015 के मेंस में आई थी, और बहुत कोई ऐसे दिक्कत वाली स्कीम इसका ड्रॉबैक पूछे हुए थे, मेंस में अलग देखते हैं इनको हम। मुद्रा क्या था कि जो अब MSMEs होते हैं हमारे पास, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो बहुत बड़ी संस्थाएं नहीं है, छोटी संस्थाएं, उनको पैसा लेने में बहुत दिक्कत होती है, उनको उधार नहीं मिलता कहीं से, तो इसीलिए ये मुद्रा बनाया गया था। मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखना, ये पेपरों में पूछी जा चुकी है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो यहाँ पे माइक्रो को लेकर यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया था, MSME यूनिट्स लिख दिया, बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे, ये पंजाब के PCS में आया था, तो इसीलिए ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, माइक्रो ही है यहां पर, और ये फंडिंग करेगा छोटे छोटे बिजनेसेस की। एंड उसके बाद एक और बात जो इंपॉर्टेंट जाने की, ये जो UPSC में आया था वो है SIDBI, कि ये SIDBI के अंदर सब्सिडरी बनाई गई है, मुद्रा बैंक अलग बन जाएगा, अभी जब बना नहीं, तो जब SIDBI के अंदर ही है ये, ठीक है, ये सवाल पूछ चुके हैं, तो NABARD ये वो RBI नहीं, किसी के अंदर नहीं, SIDBI के अंदर है, और यहां पर आप देख सकते हो किस किस की ये मदद करेगा, क्योंकि ये रीफाइनेंस एजेंसी होगा। जैसे मान लो कि कोई एक संस्था है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे लोगों को छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस देती है, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, छोटा उधार देना। तो जब ये जैसे लेट्स से कोई कंपनी थी ABC, है ना, ये कंपनी छोटी कंपनियों को उधार, किसी को 10,000 का उधार चाहिए, किसी को 20,000 का, किसी को 50,000 का, छोटे छोटे उधार है ये, बड़े बड़े उधार नहीं है, करोड़ों के उधार नहीं है, तो इसको पैसा दे रही है। लेकिन अब ABC के पास पैसा खत्म हो गया, अब आगे और लोग मांगने आ गए, अब क्या करें, तो मुद्रा इनको पैसे देगा, मुद्रा विल बी अ रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो ये जो ऐसे बहुत सारी जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो माइक्रो फाइनेंस वगैरह में ऑपरेट कर रही हैं, इनको भी रीफाइनेंस करेगा। एंड लेटर ऑन प्लान तो यही था कि मुद्रा इन सबको रेगुलेट भी करेगा, जितने भी हमारे देश में जो माइक्रो फाइनेंस को लेके जितनी भी जो चल रही है ऑर्गेनाइजेशंस, उनको रेगुलेशन भी यही देगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर मुद्रा के बारे में आपको पता है कि 3 तरह के जो लोन्स बनाए गए हैं, शिशु किशोर तरुण, ठीक है, शिशु किशोर तरुण, इनकी जो लिमिट के हिसाब से है, 50,000 तक के लोन शिशु क्लासिफाई होते हैं, 5 लाख तक के किशोर, एंड तरुण 5 से 10 लाख, पेपर में पूछा नहीं गया अभी तक, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार ने भी यही कहा था कि 35% के आसपास जो हमारे लोन होंगे वो हमारे शिशु में जाएंगे, 40 यहाँ पे एग्जैक्ट लिख लो आप, 40% है, 40% जाएंगे हमारे शिशु में, एंड देन 35% हमारे जाएंगे
किशोर में, एंड देन 25% बचा, 40, 35, 75, 25, 100% तरुण में जाएंगे। तो ये इसका ब्रेकअप भी था, मैक्सिमम किसको फोकस करना चाहते हैं, शिशु को, ठीक है, ओके। और ये रीफाइनेंस करेगा प्राइमरली बहुत सारे बैंक्स, जो NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इन सबको करेगा, ठीक है। रूरल, जो रीजनल रूरल बैंक है उनको भी फाइनेंस एक्सटेंड करेगा। NPAs, NPA आपको पता है कि क्या होता है, जैसे जो आपको सिंपल बताया था मैंने, स्ट्रक्चर बैंक का, बैंक जो जनता से पैसे जमा कराती है वो बैंक की लायबिलिटी होती है, बैंक जो आगे उधार दे देता है लोगों को वो बैंक का एसेट होता है, क्योंकि बैंक का एसेट क्यों, क्योंकि ये बैंक ने उधार दिया हुआ, इस पर कुछ इंटरेस्ट कमाएगा, बैंक की इनकम आएगी, तो इसलिए इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन अब ये, अब लेट्स से कोई मान लिया, या फिर नीरव मोदी टाइप लोगों ने बैंक से उधार लिया, ठीक है, बैंक का एसेट तो बना लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया, तो वो क्या बन जाता है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अब कब बोले किसी एसेट को नॉन परफॉर्मिंग, कि 10 दिन किस्त बीत गई, 10 दिन बीत गए, 100 दिन बीत गए, कब बोले? तो वो सरकार ने क्या रखा हुआ है, एनपीएस कब क्लासिफाई होंगे, जब 90 डेज हैव पास्ड। तो जब 90 डेज बीत चुके होंगे और असेट ने वापस कुछ वापस नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि ये आपका NPA बन गया है। तो आप इसको एक बार क्विकली यहाँ देख सकते हैं। तो और क्योंकि जनरली किसी किसी जो जो अपनी एग्रीकल्चरल चीज़ों में 90 डेज नहीं रखा गया, वहाँ पे 2 हार्वेस्ट सीजन रखा हुआ है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, 2 हार्वेस्ट सीजन, कि आपने किसी को उधार दिया किसी एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए, उसके 2 हार्वेस्टिंग सीजन बीत गए, पैसे वापस नहीं किए उसने, और कोई इंस्टॉलमेंट मतलब वापस नहीं करी अभी, और तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, NPA हो गया। सरकार ने, हमारा देश आपको पता है NPA से बहुत बुरी तरह जो ग्रस्त है, इको सर्वे बोलता है कि हमारी हालत दुनिया में 2nd वर्स्ट है, तो NPS के मामले में, एंड ज़्यादा हालात किसकी ख़राब है हमारे देश में, सरकारी बैंक्स की। तो सरकारी बैंक्स को लेके सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली, क्योंकि सरकारी बैंक्स अगर ख़राब हो जाएं, अगर ये अगर बंद हो गए तो देश में तबाही मच सकती है। तो इसे बहुत सारी स्कीम्स बनाई कि NPS को वापस से कुछ करें, जो ना ये पैसा अटक गया है इसको वापस से कुछ करें। तो ये जो स्कीम्स हैं, कुछ मैंने इन पर कांटा लगा दिए, ठीक है, ये स्कीम SBI ने, जो RBI ने रिसेंटली बंद कर दी है, जैसे कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती थी, जहाँ पर आपने क्या किया, किसी को उधार दिया हुआ है, उस उधार को क्या करते थे, आसान, उसकी उसकी किस्तें आसान कर देते थे। लेट्स से कि उसको उसको 10% इंटरेस्ट वापस करना है, और लेट्स से 5 साल के लिए है, ठीक है, 10% अगर इंटरेस्ट था, किसी ने उधार लिया हुआ 10% इंटरेस्ट पर, और 5 ईयर्स के लिए उसको बोलते थे काम कर, कि सिर्फ और सिर्फ लेट्स से तो 5% इंटरेस्ट वापस कर दे, लेट्स से 8 साल ले ले, ठीक है, आसान कर दे किस्तें। और तो इसीलिए CDR था वो, कि जो टर्म्स आसान करना, SDR था कि जो बैंक ने उधार दिया हुआ है उसको उधारी को इक्विटी में कन्वर्ट कर देना, जो RBI ने रिसेंटली बंद कर दिए हैं। JLF था कि अगर बहुत सारे बैंक्स ने मिलके उधार दिया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग था, कि कैसे एक जॉइंट लेंडर्स फोरम बनेगा, और उसमें जो जॉइंट लेंडर्स फोरम में अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो कि नज़र रखेंगे कि किस तरह से हमारे उधारी की क्या चल रही है, हालात वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। एंड देन डोमेस्टिक, ये क्या था, SIBs, डोमेस्टिकली सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, सिस्टेमिकली, तो ये बात ध्यान रखना, सिस्टमैटिक नहीं है, पहले भी बताया था मैंने, सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात हो रही है, तो ये सिस्टम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो SIBs आर सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है, इनको फेल होने नहीं देना, क्योंकि अगर ये फेल हो गए तो हमारा सिस्टम कैन दे कैन कोलैप्स। तो अब ये जो SIBs का कॉन्सेप्ट दिया था बाजल नॉर्म्स में, तो वो था ग्लोबल लेवल पे, SIBs की बात करते थे कि ग्लोबल लेवल पे भी ऐसे बैंक्स हैं, अगर वो फेल हो जाएं दुनिया भर में जो फाइनेंशियल सिस्टम कैन क्रम्बल, टूट सकता है। तो उसको बात उन्होंने बोला कि इंडिया में तो कोई SIB निकला नहीं ग्लोबल लेवल का, तो उन्होंने बोला कि डोमेस्टिक लेवल पर भी आप देखना है आपने, कि दैट इज़ इंपॉर्टेंट, कि डोमेस्टिक लेवल पर भी आप बैंक्स को ढूंढो जो कि सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अभी तक 3 बैंक्स को जो DSIB घोषित किया है, तो अब 3 बैंक्स कौन से हैं जो इंडिया में जो DSIB घोषित हुए हैं, क्योंकि इंडिया में ग्लोबल लेवल का GSIB बोलते हैं, GSIB तो कोई भी नहीं है, DSIB कौन से थे आपको पता है सबको, SBI, ICICI तो पुराने हो गए है ना, और HDFC भी इसमें लिस्ट में ऐड हो गया था। बस इनमें होता क्या है, फिर जब DSIB अनाउंस हो जाते हैं तो उनके बाद इनको थोड़ा एक्स्ट्रा और कैपिटल, और जैसे इनको रखना पड़ता है जैसे Tier 1 कैपिटल, कि बाकी बैंक से ज़्यादा इनको सेफ्टी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो सेफ्टी ये नहीं करेंगे तो सिस्टम अगर ये कोलैप्स हो जाए तो सिस्टम्स कैन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ओके, DSIB की बात करिए, अपने 3 DSIB देख लिए। स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये कंटिन्यू हो रहा है जो RBI की रिसेंट नोटिफिकेशन बोला है। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 90 दिनों के बाद हम NPA घोषित करते हैं, कि 90 डेज बीत गए रहा देखते हुए कि इंस्टॉलमेंट वापस करने आएगा इंसान, 90 डेज के तक भी नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, तो ये तब तो NPA घोषित कर देंगे। लेकिन क्या 90 डेज वेट करें, RBI पूछता है, कहते आप शुरू से ही ना पहले से ही कुछ काम करना शुरू कर दो, 0 से लेके 30 डेज
कहते जब आपके जब आज जैसे मान लो किस्त ड्यू थी, इंस्टॉलमेंट ड्यू थी और नहीं आया इंसान देने और उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंची, 30 दिन तक देखो, तो उसको एसएमए जीरो करके, स्पेशल मेंशन अकाउंट है ये, इस अकाउंट का खास जिक्र होना चाहिए, स्पेशल में ना मेंशन होना चाहिए, वो वाला अकाउंट है, इसको एसएमए जीरो बोलते हैं कि 30 दिन तक, देन 60 डेज, 31 to 60 डेज उसको एसएमए वन बोलते हैं, देन 90 डेज तक एसएमए टू बोलते हैं। तो वो बोल रहा कि अकॉर्डिंगली बैंक को निगरानी अपनी बढ़ा देनी चाहिए, एनपीए बनने से पहले ही उसको रोक देना चाहिए, पूछो उनसे जाके कि क्या प्रॉब्लम है, आप पैसे क्यों नहीं दे पा रहे। ठीक है, 525 स्कीम बंद कर दी गई है। तो 525 स्कीम में यही था कि आप जो 25 साल तक के लोन भी ले सकते हो, लेकिन 25 साल तक के लोन एक बार में नहीं मिलेंगे, 5-5 साल में आपको रीनेगोशिएट करने होंगे, तो बंद कर दी गई है। और देन लास्ट ईयर के प्रीमियम पूछी गई थी, S4A स्कीम बंद कर दी गई है। तो ये 525 स्कीम और SDR का मिक्सचर था कि एक तरह से आप जो रीनेगोशिएट भी करोगे लोन टाइम टू टाइम, एंड देन अगर जो और जो किसी एक हिस्से को देखो, जैसे था कि मान लो कि किसी ने कोई उधार लिया हो, वापस नहीं कर पा रहा, NPA बन गया हो, तो NPA का मान लो कि 100 करोड़ रुपए का उधार है, तो उससे पूछते हैं कि आप कितना कितना उधार आप वापस कर सकते हो। लेट्स से वो बोलते हैं मैं 60 करोड़ तो मैं थोड़ा धीरे धीरे करके चुका दूंगा, 40 करोड़ देने की मेरी मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो 60 करोड़ को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो 60 करोड़ को 5-25 में, कि आपके टर्म्स आसान कर देते हैं, या फिर जैसे 5-25 भी देखें अगर, तो वो भी CDR की ही टाइप है एक, कि आपकी टर्म्स आसान कर देते हैं, जो रीनेगोशिएट कर करके टर्म्स आसान। तो वो ये तो आपने CDR के तहत चला दिया, बाकी जो बचा हुआ था 40 करोड़ उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, 40 करोड़ को बैंक को हिस्सेदार बना दिया, इक्विटी बना दिया। तो ये मिक्सचर था दोनों का। तो S4A स्कीम बंद कर दी गई है। सरफासी एक्ट है, इसमें आप सामान वगैरह जो उनका जो NPAs वगैरह वो बेच सकते हो बिना जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन लिए। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ARCs होती हैं, और जो जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आप जाके वही केस वगैरह करते हो, तो आपका जो भी है ना, इतने जानने की इसमें डेप्थ में यहाँ पे, क्योंकि प्री के पॉइंट्स देखें अगर, तो ARCs होती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, कि इनको आप NPA बेच देते हो, कहते हैं हम चला लेंगे, हमें आप सस्ते में बेच दो, ये वाला 100 करोड़ का वाला जो ये प्रोजेक्ट था आप हमें ये 40 करोड़ में दे दो, हम इसको अपने आप चलाएंगे, हम देखें कैसे चलाना है। तो बहुत सारे इंडिया में ARCs भी फेल हो गई है, अमेरिकन मॉडल था, इंडिया में फेल हो गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बहुत सारी कंपनीज हैं जो NPA बना देती हैं, वो NCLT में जाता है। इंद्रधनुष प्लान था, नामको भारत सरकार का प्लान था एक ARC बनाने का, लेकिन नहीं बनी, RBI से परमिशन नहीं आई। एंड देन पब्लिक सेक्टर असेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी पारा, तो ये भी बैड बैंक था। बैड बैंक क्या हुआ कि तो जैसे मान लो कि SBI के पास कुछ अपने NPAs हैं, SBI के पास कुछ असेट NPA बन गए, लेट्स से पंजाब नेशनल बैंक के पास कुछ NPAs हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास कुछ NPAs हैं। तो अब इनके जब इनके पास NPAs होते हैं, तो जो इनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती बैंक्स के पास, क्यों? SBI के पास शेयर होल्डर या फिर नए नए जो इनके पास इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कहेंगे, जो इन्वेस्टर होगा वो कहेगा कि आपके भाई देखो SBI मैंने आपकी बुक्स देखी हैं, आपके बुक्स में ऐसे ऐसे एसेट्स हैं जो नॉन परफॉर्मिंग है, वो कुछ नहीं करते। तो अब हुआ क्या SBI के साथ, SBI के जो एसेट्स है बेचारे परफॉर्म नहीं करते और फर्दर इन्वेस्टमेंट उसमें आ नहीं रही, मार्केट में लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि उसने उसके पास NPAs हैं, तो फंस गया SBI। तो अब ने सरकार ने प्लान बनाया, जितने भी सभी बैंक्स के NPAs हैं इन सबको इकट्ठा करो, एंड इन सबको इकट्ठा करके एक बैड बैंक बनाओ, पारा जिसको नाम रखा गया, असेट को रिहैबिलिटेट कराना ना, असेट को रिहैबिलिटेशन एजेंसी बनाओ, वहाँ पर उन जितने भी NPAs हैं सारे यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और इनकी बुक्स क्लीन हो जाएंगी, इन सब की बुक्स क्लीन हो जाएंगी, अब नाउ दे विल अगेन स्टार्ट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये प्लान था, लेकिन ये भी जो पूरा नहीं हो पाया, बैड बैंक का ये आइडिया ही रह गया। तो बैड बैंक में क्या था, NPAs सारे के सारे इकट्ठे कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो पारा होगा वो देखेगा कि कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं हम, क्या इसमें से बेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, कि बिल्कुल ही ज़ीरो बन जाएंगी ये जो NPAs हैं, या फिर इसमें से कुछ वैल्यू रिकवर हो सकती है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो हमारे पास एक एजेंसी बनी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमने एक फंड बनाया था, तो वो वाले फंड की बात है कि बाकी अगर ये फंड वगैरह बॉन्ड मार्केट डेवलप हो जाए तो NPAs वगैरह कम हो सकते हैं, हमने ये डिस्कस किया हुआ पहले भी शायद। तो अब स्ट्रेस्ड एसेट होते क्या है ये देख लो आप, ये आपको सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, और मतलब इसका जैसे सिमिलर था लेकिन एग्जैक्ट नहीं, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं, तो ये पूछ सकते हैं आपको अभी भी, ठीक है। स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है? स्ट्रेस्ड एसेट वो है जहाँ पर स्ट्रेस था या है, जैसे NPAs,
जैसे रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स या फिर रिटर्न ऑफ एसेट्स, ये तीन चीज़ें हैं। एनपीए तो क्या कि 90 दिन प्लस हो गए, इसकी किस्त वापस नहीं आई अभी, ठीक है। रीस्ट्रक्चर्ड कि इसको जाके हमने पूछा, कोई एनपीए था उसको जाके पूछा भाई साहब कि आपने किस्त वापस क्यों नहीं करी, वो बोल रहा है ये दिक्कत आ रही है मेरे पास ना पैसे नहीं आ रहे अभी, कुछ मेरा सामान नहीं बिक रहा तो मैं आपकी किस्त पूरी नहीं कर पा रहा। तो कह रहे चलो एक काम करो, आपको CDR कर देते हैं, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, आप आराम से पे कर देना। आपके ये 10% जो इंटरेस्ट था हम घटा के इसको 6% कर रहे हैं एंड जो आपके 5 साल की जो ड्यूरेशन थी इसको हम 7 साल कर रहे हैं, ठीक है। रीस्ट्रक्चर कर दिया, तो था तो वो NPA ही लेकिन रीस्ट्रक्चर्ड है ना, इसमें स्ट्रेस तो है ही, तो स्ट्रेस्ड एसेट का पार्ट है ये रीस्ट्रक्चर लोन। एंड देन रिटर्न ऑफ एसेट्स कि बहुत परसू किया, सब कुछ किया लेकिन वापस नहीं आया पैसा, तो उस एसेट को राइट ऑफ कर देता बैंक। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि उस एसेट को अपनी बुक्स से हटा देते हैं। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि उसको परसू नहीं किया जाएगा। मान लो विजय माल्या, अभी रिसेंटली विजय माल्या के जो एसेट से राइट ऑफ किए गए बैंक की बुक से, क्योंकि बैंक ने परसू किया लेकिन अब उसको फाइनली जो बैंक ने क्या किया कि हम इसको एक तरह से लॉस मानकर कि हमारा ये जो हमने पैसा लगाया था ये हमारा पैसा रिकवर नहीं हो पाया, इसको लॉस मान लेते हैं अपनी बुक्स में, तो बैंक इसको लॉस मान लेता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी बैंक परसू करेगा, जितना पैसा निकाल सकते हैं वो निकालेगा, क्योंकि अदरवाइज तो अगर आप बैंक्स को बोलो, बैंक तो परपेचुअटी में इसको अपने बुक्स में रखेंगे, क्योंकि बैंक्स तो कभी चाहेंगे ना दिखाना कि हमारा लॉस हो गया। बैंक्स कहेंगे हाँ आएगा पैसा आएगा कहेंगे, लेकिन RBI ने पुश किया, RBI कह रहा है कि कब आप बोलोगे कि पैसा वापस नहीं आएगा, अब तो मानना पड़ेगा आपको, बहुत टाइम हो गया। तो इसलिए RBI ने कह के राइट ऑफ करवाए बहुत सारे एसेट्स, लेकिन हाँ कहते जैसे आप वो परसू करते रहो कि इनको, जैसे मान लो विजय माल्या के जो एयरप्लेन्स वगैरह हैं अगर वो बिकते हैं उससे कुछ पैसा निकलेगा तो हाँ वो पैसा आप वापस उससे जरूर रिकवर करो वो, लेकिन अपनी बुक्स में से तो इसको हटाओ, क्योंकि बुक्स में तो आप इसको एसेट्स की तरफ क्लासिफाई करते हो कि आपके एसेट्स हैं, देखो इतने सारे आपने विजय माल्या को उधार दिया हुआ है और वो आपका एसेट है, जबकि पता है वो एक तो पहले तो NPA बन के वो रीस्ट्रक्चर होके भी बिल्कुल फेल हो चुके हैं, अब तो आपको अपनी बुक से ये एसेट हटाना पड़ेगा, ठीक है। RBI ने पुश किया बहुत ज्यादा तो बैंक्स ने राइट ऑफ करने शुरू किए, तो राइट ऑफ से बुक से चीजें हट जाती हैं, लेकिन हाँ एक बात ध्यान के रखनी है आपने कि बैंक उसको उसके बावजूद भी परसू कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो NPA का देख लिया आपने कि जब इंस्टॉलमेंट, जैसे प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट 90 डेज तक ना आए। रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है कि आपने उसको जो एक्सटेंडेड पीरियड दे दिया, आपने वापस करने का इंटरेस्ट रेट घटा दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और लेकिन बैड लोन तो अभी भी नया शेप में आ गया, लेकिन अभी उसकी अभी है वो स्ट्रेस में ही, ठीक है। तो ये इसलिए भूलना नहीं है कि स्ट्रेस्ड ही कहलाता है और रिस्क उसका अभी भी बना ही हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर अपने पास आता है राइटिंग ऑफ, जो रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या होता है। तो यहाँ पे वही है, जब बैंक एक बैड डेट को अपनी बुक से हटा देता है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि बैंक का राइट खत्म हो गया कि अब इसको बैंक इस पे कोई रिकवरी नहीं करेगा, कर सकता है, ठीक है। तो बैंक अभी भी परसू कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ बैड डेट्स, और जस्ट दैट कि अब ये और जो कोर्ट सिविल प्रोसीडिंग सब कर सकते हैं उसके इंसान के खिलाफ जिसने बैड डेट बनाया, लेकिन जस्ट दैट कि बुक से हटा दिया जाएगा, रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर्स बुक, जो बैंक है जिसने उधार दिया था, बट नॉट फ्रॉम इट्स मेमोरी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम अ क्रेडिटर्स बुक बट नॉट फ्रॉम इट्स मेमोरी, ठीक है, ओके। और अभी भी जिसने उधार जो था वो तो अभी भी बैंक को उसका बनता है वापस करना, दैट्स इट, ठीक है। राइटिंग ऑफ के फायदे भी हैं कुछ, क्योंकि एक तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर आती है एसेट्स की, कोई इन्वेस्टर आएगा बैंक में उसको पता लगेगा कि सच में हाँ भाई राइट ऑफ कर दिया इसने, लॉस मान लिया, क्योंकि देखो बैंक के लिए बड़ा ही ना ईगो की बात आ जाती है लॉस मानना कि हमने लॉस बना लिया इसको, कि इन्वेस्टर्स को भी अच्छा नहीं लगता ना ये देखने में कि कोई लॉस मेकिंग बैंक है भाई ये, ओके। देन उसके बाद लेकिन ट्रू एंड फेयर पिक्चर आती है, और बैंक की जो अर्निंग भी उसके उस पर क्या होता है, जैसे जैसे ही लॉस बनाते हैं इसको तो क्या होगा, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, रिड्यूसेस टैक्सेबल इनकम, तो बैंक को थोड़ा सा तो जो टैक्स जो देना है वो कम हो जाता है, थोड़ा सा फायदा भी होता है बैंक का, एंड बैंक का कैपिटल बर्डन कम होता है। जैसे मान लो पहले असेट थे 100 करोड़ रुपए के, लेकिन इसमें मान के चलो कि 20 करोड़ रुपए खराब वाले असेट थे, 80 करोड़ रह गए अब आपके असेट्स 80 करोड़ रह गए, तो अकॉर्डिंगली आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी घट जाएगी। 100 करोड़ के का लेट से अगर 8% रखना था तो 8 करोड़ कैपिटल चाहिए था, 80 करोड़ का 8% रखना है तो 6.4 करोड़ कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी घट जाती है, ठीक है। तो बाजल नॉर्म्स के हिसाब से देखें, और यहाँ पर वैसे भी
जो राइट ऑफ के बिना वही है कि बैंक बस उसको डिले करता जाएगा तो, लेकिन उसको परपेचुअली मैं रोक नहीं सकता और क्लीन अप करना ज़रूरी है। ओके और लेकिन अब इसे होगा क्या कि जब बैंक का जब अब ये असेट चला गया, जब ना 20 करोड़ का असेट चला गया, तो अब बैंक को पता है इसमें एक तो सिर्फ और ये नहीं है सिर्फ कि इसमें जो 20 करोड़ पे जो मुझे इंटरेस्ट बैंक ने कमाना था वो तो गया ही गया है ना, वो तो पहले ही नहीं आ रहा था, 20 करोड़ भी चले गए। तो अब बैंक को ये रिकवरी करनी है, तो क्या करेगा बैंक, जनरली लैंडिंग रेट्स बढ़ा देता है बैंक कि मुझे रिकवरी भी करनी है अपने लॉसेस की, तो इसका एक जो ये डाउनसाइड भी होता है। ठीक है, अब एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स भी एक टर्म है यहाँ पर। एवरग्रीनिंग क्या होता है कि एक लोन को आपने जो लोन लिया बैंक से पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए आपने एक और लोन ले लिया, कि प्रीवियस लोन को पूरा करने के लिए किस्तें देने के लिए आपने एक और लोन ले लिया, इसकी किस्तें पूरा करने के लिए एक और लोन ले लिया। बैंक्स भी ये फेवर करते हैं, बैंक्स भी करते रहते हैं साथ में। क्यों करते रहते हैं बैंक्स, क्योंकि अदरवाइज लेट से अगर आपने ये एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन अगर नहीं लिया तो पहले वाले लोन को एनपीए बन जाएगा, एंड कोई बैंक नहीं चाहता कि आपका ये जो लोन एनपीए कहलाए और बैंक की बुक्स खराब हो, बैंक पर आरबीआई की निगरानी बढ़े, तो इसीलिए बैंक एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन दे देते हैं, फिर तीसरा लोन। तो एवरग्रीनिंग लोन एवरग्रीन ही होता रहता है एक लोन को पूरा करने के लिए। ठीक है, डिफॉल्टिंग जो डिफॉल्ट कर रहे होते हैं बोरोवर्स उनको और पैसा देते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो एनपीएज ना बनाए। ठीक है दोस्तों, ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। हमारे बहुत सारी जगहों पर लिखी होती है इको सर्वे वगैरह में। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है कि दो लोगों की बैलेंस शीट खराब हो गई। दो लोग कौन से हैं, एक तो हमारे देश के बैंक, एंड किसके कारण हुआ ये, जो क्योंकि हमारे देश की कंपनीज के कारण, कॉरपोरेट्स के कारण। 2008 से पहले बहुत तेजी से सब कुछ दुनिया चल रही थी, ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी, तो बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, नए नए इक्विपमेंट्स प्लांट्स बहुत कुछ खरीद लिया। तो लेकिन 2008 में एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, एकदम से दुनिया में डिमांड घट गई चीज़ों की, तो कंपनीज ने तो बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया, बहुत उधार उठाया हुआ है, नए नए तरह के प्लांट लगाए हुए हैं, तो अब वो प्लांट तो कुछ काम कर नहीं रहे, उनमें से बन रहा है सामान वो बिक नहीं रहा, तो कंपनी ने जो उधार दिया है तो कंपनी कंपनी की बैलेंस शीट में डिप आता है, तो कंपनी की बैलेंस शीट में डिप आता है, उसके कारण क्या होता है, कंपनी उधार वापस नहीं कर पाती, बैंक्स के एनपीएस बनने शुरू होते हैं, बैंक्स की बैलेंस शीट खराब हो जाती है। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है कि कॉरपोरेट की किसकी, पब्लिक सेक्टर बैंक और जो कुछ कॉरपोरेट हाउसेज की, दोनों की बैलेंस शीट्स में प्रॉब्लम आ गई और आर इन बैड शेप, और इससे इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ रुक जाएगी। बैंक्स अब डरेंगे किसी और कॉरपोरेट को उधार देते हुए कि क्या पता कल इसके भी यहाँ पे बैंड बज जाए, और इसलिए बैंक्स उधार नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एंड जो कॉरपोरेट्स जो हैं पर्टिकुलरली जिन्होंने उधार बहुत उठाया हुआ है वो तो अपने उधार ही नहीं पूरा कर पा रहे, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, तो कहाँ फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट देश में रुक जाती है। और हमने 2018 वाला इको सर्वे जो हमारा आया है 17 वाला, तो जो लेटेस्ट हमने जो अभी डिस्कस भी किया है, अभी हमने पूरा मार्च 2018 में डिस्कस किया, तो उसमें बार बार बात की गई है कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही रुक गई है, और इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा ब्रेक लगा है, कहते सेविंग सेविंग तो है लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट में जो जो तब्दील नहीं हो रही, और इसीलिए जो लो प्रॉफिट्स के कारण कॉर्पोरेट अपना डेट पे नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट जो उनकी कम हो जाती है। बैड बैंक और पैरा जो पैरा बनाया था हमने आपको बताया मैंने क्या था, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन, सारे के सारे बैंक्स का बैड लोन को उठा के अपने ऊपर रख लेगा ये। देन कम्स योर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2017 का, तो ये बिल तो पास हो चुका है और दोनों ही हाउसेस से, तो यहाँ पर इसके बारे लेकिन प्रोविजन जानने जरूरी है कि क्या क्या इसमें प्रोविजंस थी। ये अगेन यही सिमिलर सी प्रोविजंस हैं कि कुछ कुछ हमारे देश में जो स्ट्रेस्ड एसेट बन रहे हैं उसको बहुत हमें जल्दी से जल्दी निपटारा करना पड़ेगा। अदरवाइज देखो होता क्या है कि मान लो कि किसी कोई कंपनी उधार पूरा नहीं कर पा रही तो, और उसके बाद केस लटकता जा रहा है, तो उसमें नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि जो अगर लेट्स से कंपनी के कुछ असेट्स वगैरह बेचकर कुछ पैसे रिकवर हो सकते थे तो वो रिकवर नहीं हो पाते क्योंकि बहुत देर बीत चुकी होती है, मशीन्स ख़राब हो जाती हैं, जंग लग जाता है ना, और ऐसे जो चीज़ें, तो इसलिए जितना जितना जल्दी इनको जो स्ट्रेस्ड एसेट है इनको लिक्विडेट किया जाए और उनको उनका निपटारा किया जाए, या जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है जल्दी से जल्दी होना चाहिए, लटकता नहीं होना चाहिए। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यही करता है, आरबीआई की पावर्स बढ़ाता है एंड आरबीआई जल्दी जल्दी चीज़ों को जो शुरुआत करके ख़त्म तक ले जाएगा। ठीक है, ये तो पहली बात तो वही है कि एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे उसको रिप्लेस करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, और आरबीआई को बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पावर्स प्रोवाइड करता है, और ताकि क्विकली आरबीआई कमेटीज बनाए है ना, डायरेक्शन इशू करे, और जो कब अपनी आरबीआई अपनी डिस्क्रिशन भी कुछ यूज़ कर सकता है अगर लोन डिफॉल्ट हो गया है तो। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा वही था कि, और ये जो आईबीसी के हिसाब से चलेगा, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है जो हमारा, उसके हिसाब से ही ये चलेगा पूरा का पूरा प्रोसेस। अब पीसीए,
देखो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अपने घरों को इमेजिन करो, आपके घर में जैसे लेट्स से आप मान लो स्कूल में पढ़ते हो, सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ते हो, तो आपके जो टीचर्स होते हैं या आपके पेरेंट्स होते हैं वो क्या नज़र रखते हैं आपके मार्क्स पर कि अच्छा अगर भाई इसके मार्क्स मैथ में 60% से कम हुए नॉन मेडिकल लेने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे सिंपल सी चीज़ है। तो अच्छा अगर अगर आपको नॉन मेडिकल दिलाना है तो मैथ में आपका स्कोर इंप्रूव करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ होती है वाली, आपको सभी क्लैरिटी इस बात को लेकर, है ना, समझ पा रहे हो। सिमिलर सी चीज़ आरबीआई करता है। आरबीआई ने कुछ ऐसे कुछ रेशोज़ रखी हुई हैं जिन रेशोज़ पर नज़र बनाए रखता है बैंक्स की, ठीक है। बैंक्स की जैसे कि अगर रिस्क एडजस्टेड कि भाई अगर अगर मैं एसेट्स को देखूं, एसेट के साथ साथ कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, अगर ये एसेट के साथ साथ कैपिटल घट जाता है जब, तो आरबीआई बोलता है भाई स्टेप लो, इसको बढ़ाओ। अच्छा जी, जब लेट्स से रिटर्न ऑन एसेट्स गिर जाता है, आरओए, तो आरबीआई बोलता है आपका रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो आपका बैंक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ना आरबीआई ने, और एनपीए, आपके एनपीए इतने परसेंट से ऊपर निकल गए हैं तो कुछ करो काम, ठीक है। आरबीआई ने दो तीन नंबर रखे हुए हैं, ऐसे वो हर बैंक के वो नंबर्स को वो ट्रैक कर रहा है, जैसे जैसे वो नंबर खराब होते जाते हैं आरबीआई बोलता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई लागू कर देता है। मान लो कि आपके नंबर 60% से नीचे गिर गए तो क्या होगा, पेरेंट्स आपके एक्शन लेंगे, आपका बाहर खेलना बंद, है ना, बाहर घूमना बंद, ऐसे सिंपल सी चीज होगी ना ये वाली। तो सिमिलर सी चीज है। तो आरबीआई कुछ चीजों पर बैन लगा देता है कि अब आप नए बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि आप डेंजरस बैंक बन गए हो, है ना। तो लेट से आरबीआई बोलेगा कि जो आपको कुछ कुछ ऐसे गाइडलाइंस इशू कर देगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो ये रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का, जो डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन को रोकने के लिए होता है। और इससे आरबीआई ने कुछ रेशोज पर नजर बनाता है, एंड कौन से रेशो, जैसे जो सीआर होती है हमारी, जो कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो होती है ना, सीआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, कि अगर रिस्क के हिसाब से एसेट्स के कितनी कैपिटल होना चाहिए हमारे पास, एनपीएस का परसेंटेज, कितना एसेट्स पे रिटर्न आ रहा है, ये अगर अगर ये अगर इफ़ दे आर फाउंड वांटिंग, मतलब कि अगर ये कम पाई जाती हैं या फिर जितनी होनी चाहिए उससे कम पाई जाती हैं, तो आरबीआई एक्शन लेता है और सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए करता है। अगर मान लो पीसीए हो गया, पता लग गया भाई आप में दिक्कत है कोई, तो बैंक की हालात और ख़राब हो उससे रोका जाए, ठीक है। और इससे अब बैंक को क्या करते हैं कि आप स्टेप लो जिससे आपकी इनकम बढ़े, ठीक है, इनकम बढ़े और आपके जो आउटलेज हैं वो घटें। आउटले मतलब जो बाहर जो आउटवर्ड गोइंग जो खर्चे वगैरह जो भी हो रहे हैं वो घटें, ठीक है। अपनी कहते हैं ऐसे ऐसे इनकम बढ़ाओ जहाँ से आप फीस वसूलते हो, वो इनकम बढ़ाओगे तो आपके इनकम जो बढ़ेगी तो बैंक की हालत इम्प्रूव होगी। और कहते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉस्टली डिपॉजिट्स वगैरह हैं अगर, तो उनको आप छू नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि अगर आपने उनको छुआ, लेट से किसी ने आपके पास पैसे बहुत सारे जमा कराए हुए हैं तो, और आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया फर्दर आगे, तो आरबीआई कह रहा है ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको ठीक से करना नहीं आ रहा काम, तो आपको ये नहीं करना। आरबीआई इस पर बैन लगा देता है, ठीक है। एंड उसके बाद कहते हैं जो कोई नई लाइन ऑफ बिजनेस में आपने एंटर नहीं करना, क्योंकि नई लाइन ऑफ बिजनेस में जाओगे खर्चा बढ़ सकता है आपका, तो इस कारण से बैंक की हालत ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आरबीआई जब पीसीए इन्वोक किया जाता है तो आरबीआई बैंक्स पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है। अभी रिसेंटली किया भी गया था ये। तो अब ये पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या होती है, देखो सिंपल सी चीज़ है कि उधार लिया अगर किसी ने, तो ऐसा उसका एक पूरा एक जो एक रजिस्टर बनाया जा रहा है अपने पूरे देश के लेवल का, जिसमें जिसमें हर एक उधार के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, ठीक है। और इसके जैसे ना, जैसे आपको शायद सुना होगा आपने, आपका क्रेडिट स्कोर आता है, क्रेडिट रेटिंग आती है, कि अगर आपने बिल्कुल टाइमली उधार दिया वापस, जैसे आपने लेट से कोई टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा आपने इंस्टॉलमेंट्स पे, उसको टाइमली वापस करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है। तो क्रेडिट स्कोर अच्छा रहने से क्या होगा फायदा, कि आपको अगर आगे फर्दर फ्यूचर में कभी उधार लेना होगा तो आपको थोड़े से इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, आपका रिस्क कम हो जाता है ना, क्योंकि आप एक अच्छे कस्टमर हो। तो लेकिन लेट्स से अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो आपको उधार महंगा मिलता है। तो क्रेडिट रजिस्ट्री अभी क्या है, सरकारी एक एजेंसी बनाने की बात हो रही है, वो पहले जो एग्जिस्ट करती है वो प्राइवेट एजेंसीज हैं। तो सरकारी एजेंसी है, बहुत बड़े लेवल पे होगी, और आरबीआई भी यहां पे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करेगा। तो वही है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन पूरे के पूरे हर एक जो पूरे देश की जो रिकॉर्ड रहेगी, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एक वन लास्ट डेटाबेस होगा जिसमें, और एक पब्लिक अथॉरिटी की तरह बनाई जाएगी। आरबीआई वगैरह सब यहाँ पे बताएंगे कि आरबीआई की कि हमारे कैसे रिपोर्ट की लोन वगैरह कैसे चल रहे हैं, और इससे क्या होगा क्रेडिट असेसमेंट होगी, और उसके कारण आपको प्राइसिंग की कैसे कितने भी उधार देना चाहिए हमें, और बैंक को पता लगेगा
कितना उधार दें, किस किस रेट पर उधार दें, अच्छा कस्टमर है बुरा कस्टमर है, रिस्क वगैरह सभी कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर। अगर अगर लेट से कोई ऐसा कोई बंदा आ गया जो कि थोड़ा ठीक सिस्टम में जो, या फिर लेट से उसका क्रेडिट स्कोर ख़राब है, तो अकॉर्डिंगली क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, सुपरविजन कैसे हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें। और जो ये पूरा का पूरा हमें जो जितना भी क्रेडिट चल रहा है हमारे देश में उसके बारे में बहुत सारा डेटा इकट्ठा होगा, एंड उस डेटा को एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी हमें कि किस तरह के लोग, किस तरह के लाइन ऑफ बिजनेस में काम अच्छा चलता है बुरा चलता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी तो ये इसके जो इसको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा बहुत जल्द, अभी इस्टेब्लिश ये नहीं हुई। ठीक है, ओके, देन योर रीजनल रूरल बैंक्स RRBs की बात करते हैं। तो और रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, इसमें तीन जो स्टेक होल्डर होते हैं आपको पता होना चाहिए हमेशा, एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस स्टेट में बन रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट, और एक स्पॉन्सर बैंक होता है। अब उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आधा उसका शेयर उसके पास होते हैं, जिस स्टेट में बन रहा है उसको 15% उसको शेयर मिलता है, एंड बाकी जो भी स्पॉन्सर बैंक है वो अकॉर्डिंगली उसके पास रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अब कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं कितना नहीं, इसको RBI इस पर हद लिमिट लगा देता है, सीलिंग्स होती हैं उसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते आप। ठीक है, RRB, तो ये RRB पे आपको बात ध्यान रखनी है। तीन स्टेक होल्डर्स हैं, कौन, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ी स्टेक होल्डर, देन उसके बाद एक स्पॉन्सर बैंक होता है सेकेंड नंबर का, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट होती है, तीन स्टेक होल्डर्स हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक, अब इंडिया में जैसे आपको पता है जब इंटरेस्ट रेट वगैरह रेपो रिवर्स रेपो पहले RBI ही अनाउंस किया करता है, अभी भी RBI करता है, लेकिन पहले RBI सिर्फ इंटरनली आपस में डिसाइड करके, एंड वो डिसाइड करके आपको बता दिया करते हैं। अब इसको प्रोसेस को थोड़ा डेमोक्रेटिक कर दिया गया है, इसमें अब गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक 6 मेंबर की कमेटी बनाई है, 3 बंदे RBI के होते हैं, 3 सरकारी होते हैं, एंड ये आपको रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में बताते हैं जो कि पॉलिसी मैटर्स हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई बातें आपको सभी समझाते हैं। ठीक है, जो और इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा अगर, और ये तो देखो ट्रांसपेरेंसी वगैरह इंप्रूव करेगी सिस्टम में, आपको पता है ये वाली बात। और अब आपको प्री में सवाल पूछ सकते हैं कि MPC को सजेस्ट किसने किया बनाने के लिए, बहुत सारी कमेटीज ने किया है, 2006 में तारापुर कमेटी आई थी, 7 में परसी मिस्त्री, 9 में रघुराम राजन कमेटी, एंड 13 में FSLRC में हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके जो टॉपिक्स हैं, एंड उर्जित पटेल कमेटी 2013 में आई थी, फाइनली उर्जित पटेल जो अभी हमारे RBI गवर्नर भी हैं उनके कहने पर जो MPC बना दिया गया, एंड उर्जित पटेल कमेटी के ही जो ब्रॉडर जो पैरामीटर्स दिए गए थे उसी को ही फॉलो किया गया। ठीक है, MPC का एजेंडा क्या है, इसका एजेंडा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि RBI का एजेंडा क्या होगा, RBI का एक ही धर्म होगा, 4% इन्फ्लेशन रखनी है, प्लस माइनस 2% हो सकती है, 4 से 2 ऊपर 6, 2 नीचे 2, 2-6% के रेंज में होनी चाहिए विद अ टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग इट बैक टू 4%। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड करेगी जो RBI के साथ मिलके, कौन से किस चीज़ पर, CPI पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड होगा हर 5 साल में RBI के कंसल्टेशन के साथ। और अगर RBI अचीव नहीं कर पाया ये तो RBI को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके बाद एक हर 6 महीने में RBI को रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है, मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट। आपको प्री में ये सवाल पूछ सकते हैं। अब MPC के मेंबर्स कौन से होते हैं, MPC के मेंबर्स कौन से, 6 मेंबर हैं, RBI गवर्नर चेयरपर्सन है, डिप्टी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी वाले जो डिप्टी गवर्नर हैं वो, एंड देन एक ऑफिशियल जो कि RBI बोर्ड नॉमिनेट करेगा। ठीक है, RBI के लोग हो गए, देन 3 मेंबर सरकार से आएंगे, और ये जो 3 मेंबर सरकार से आएंगे एक ये बोर्ड सेलेक्ट करेगा, उस बोर्ड को हेड कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये आपको प्री में पूछ सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी बातें और भी जान लेते हैं MPC के बारे में। और MPC के डिसीजन सारे मेजॉरिटी वोट पर होंगे, है ना, जिसको जिस बात पे अगर कोई वोटिंग हो जाएगी हर बात पर कि हम ये करें कि ना करें, रेपो रेट को 4% से लेट से 6% करें कि ना करें, वो कहते हैं चलो वोटिंग कर लेते हैं, वोटिंग होगी, मान लो अगर टाई हो गया 3 और 3 हो गए, तो उस केस में जो RBI गवर्नर के पास कास्टिंग वोट है, कास्टिंग वोट मतलब ही हैज़ टू वोट अगेन, उनके वो फाइनली जिस दिशा में वो वोट करेंगे तो वो वाला डिसीजन ले लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो सरकारी 3 बंदे आने हैं उसके लिए बंदे कौन से, जैसे लेट्स से कि आपने 10 बंदों के नाम भेजे, इसमें से 3 बंदे होने चाहिए। ठीक है, जो सरकारी बंदे 3 आएंगे ना, आपने 2 देखा RBI के, तो 3 लोग हैं, 3 सरकारी हैं, जो 3 सरकारी हैं उसकी सर्च कमेटी, कि सर्च कमेटी कौन से 10 लोगों का नाम दिया जाए, वो उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, RBI गवर्नर, और 3 एक्सपर्ट होंगे फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स बैंकिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो ये बात ध्यान रखना, ये पूछ ये सकते हैं सवाल, सर्च कमेटी को लेकर सवाल पहले भी आए हुए जो इंपॉर्टेंट सर्च कमेटीज होती हैं। ठीक है, ओके, और साल में कम से कम 4 बार MPC को मिलना है।
ओके ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज आ रही है, इंपॉर्टेंट है FSLRC, इसको अभी हम एक क्विक ब्रेक के बाद शुरू करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है FSLRC के रिकमेंडेशंस, और आगे भी टॉपिक्स हैं कुछ थोड़े थोड़े, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।